गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जो आपके सवाल आए उसके बारे में, तो उसके बारे में हम मैडम से डिटेल में माहिती लेंगे। गुड इवनिंग मैम। हाँ, अभी हमारे जो वीडियोस है उसमें कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे सवाल आए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि मैम, मेरे लड़की की उम्र 13 साल की है और उसको वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? 13 ईयर्स की जो उम्र है, जिसे हम टीनेजर ग्रुप कहते हैं, या तो प्यूबर्टी जो है उसकी शुरुआत होती है 10 साल 11 साल के बाद, और उनके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और वाइट डिस्चार्ज जाना बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन यदि उनका वेट कम है, या तो उनकी जो न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसीज वगैरह है, वीकनेस है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से भी सफ़ेद पानी जा सकता है। तो अभी आपको ध्यान यह रखना है कि सफ़ेद पानी, योनि मार्ग में से सफ़ेद पानी जाना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन यदि वह जो सफ़ेद पानी है उसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रही है, या तो बास आ रही है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज जो है उसके कलर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, या तो कर्ड जैसा अगर है, तो यह एबनॉर्मल माना जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है और उसकी वजह से यह सफ़ेद पानी जा रहा है। सो इम्पॉर्टेंट जो 13 साल की उम्र में ध्यान रखना है, जो उनकी मदर है उनके लिए भी जो मैसेज देना है कि एक तो उनका जो न्यूट्रिशनली, जैसे हम बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट वगैरह लेना है, और खाने में उनको सारे चीज़ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट सारा इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा है वाटर इंटेक उनका अच्छा होना चाहिए, और पेशाब उनको ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है। जनरली जो यंग गर्ल्स में हम देखते हैं कि पानी का जो इंटेक होता है वह कम होता है, और उसकी वजह से उनको यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उनको पता नहीं चलता है कि यूरिन में इन्फेक्शन है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। सो यह चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और यह कोई चीज़ हानिकारक नहीं है, उसकी दवाई से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मेरी बेटी की उम्र 11 साल है और उसको महीने में 2 बार पीरियड आता है। 22 सितंबर को आया था, उसके बाद 28 अक्टूबर को आया, और वापस से 18 नवंबर को आ गया, तो इसमें क्या करना चाहिए और ये सही है या गलत है? जैसे अभी आपने बताया कि 12 साल की उम्र है और 22 सितंबर को आया था, उसके बाद 28 अक्टूबर को आया था, तो यह जो समय है ऑलमोस्ट 1 month 7 days में उनके पीरियड आ गए हैं। सो काफ़ी मेरे जो वीडियोस है उसमें भी मैंने बताया है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह 28 दिन प्लस और माइनस 7 days, यानी कि यदि कोई महिला या तो कोई लड़की है उसके जो पीरियड्स है वह 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में अगर आते हैं तो वह एब्सोल्युटली नॉर्मल है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट की जो डेट है, जैसे अभी यहाँ पे जो बताया है कि 22 सितंबर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 22 अक्टूबर को ही आएगा। यदि आपको 25 अक्टूबर को आता है, 29 अक्टूबर को आता है, तो वह एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पीरियड्स 15-15 दिन में आ रहे हैं, या तो पीरियड्स 2 महीने में 4 महीने में एक बार आ रहे हैं, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क करना है। ओके, अगला सवाल है कि 10 साल की उम्र में पहला पीरियड आया, उसके बाद नहीं आया है, तो क्या हाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है हाइट बढ़ने में? 10 साल की उम्र में एक बार मेंसेस आया है, उसके बाद पीरियड उनके नहीं एक या 2 साल के अंदर रेगुलर फ्लो शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। दूसरा कि जो हाइट के बारे में आप चिंता कर रहे हो, तो एक बार पीरियड शुरू होता है उसके बाद भी उनकी हाइट बढ़ सकती है, और जनरली हम जिसे हम कहते हैं कि प्यूबर्टी में हाइट स्पर्ट आता है। हाइट स्पर्ट यानी क्या, कि एक बार जैसे अभी 10 साल की उम्र है, 12-13 साल में जैसे उसके पीरियड रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे, तो सडनली उसकी हाइट बढ़ जाएगी, हाइट स्पर्ट जिसे हम कहते हैं। और हाइट जो है वह जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, उनकी हाइट कैसी है उसी के ऊपर उसकी हाइट डिटरमाइंड होने वाली है। हालांकि आप उसको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हो,
10 ईयर्स की है, स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, ऐसे अगर एक्सरसाइज करेगी तो जो हाइट स्पर्ट होने वाला है वह अच्छे से हो सकता है। ओके, अगला सवाल है कि मेरी बेटी की उम्र 9 साल है, उसको वाइट डिशेज होना शुरू हो गया है पर पीरियड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या फर्स्ट पीरियड किट उसकी बैग में रखना शुरू कर देना चाहिए या नहीं? जनरली पीरियड शुरू होने के 3 मंथ्स 6 मंथ्स के पहले उनको वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। सो, आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आपकी डॉटर 9 ईयर्स की जो है वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो चुका है तो उसको एक काउंसलिंग जो ज़रूरी होता है, प्लस हमारा जो वीडियो है फर्स्ट पीरियड के बारे में, वह वीडियो आप उसको समझा सकते हो, दिखा सकते हो। उसमें आपके कोई भी और क्वेरीज भी हैं तो वह आप लिख सकते हो। और उसके बाद जो सैनिटरी पैड और इसकी जो किट है वह आप उसके बैग में अवश्य रख सकते हो, जब भी अगर उसको इमरजेंसी में उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वह उसे इस्तेमाल कर सकती है। ओके, अगला सवाल है कि मेरी शादी को 7 साल हो गया है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैंने एक बार मेरा सीमेन का टेस्ट करवाया था, उसमें नील आया था, केसुस परमिया है, मैंने उसके बाद कई सारी दवाई ली पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? पहले तो आपने बताया कि आपकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपने शुगर के कोई रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, सो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर, HbA1c, यह तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो सीमेन एनालिसिस आपने जो बताया है कि उसमें नील आ रहा है, सो पहले तो रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है वह जानना बहुत ही ज़रूरी है। एजोस्पर्मिया जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, तो आपके केस में कौन सा एजोस्पर्मिया है वो फाइंड आउट करके उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कि 1 साल से मैं और मेरी वाइफ साथ में रह रहे हैं, मेरी वाइफ के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? 1.5 साल का समय हो चुका है और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो जनरली जिसे हम कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकता है, यदि आप सारे रिपोर्ट्स करवा चुके हैं और सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपको IUI या तो IVF ट्रीटमेंट का ऑप्शन लेना चाहिए, और मैं आशा रखती हूँ कि यह ट्रीटमेंट के तौर से आपको प्रेगनेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाए। ओके, अगला सवाल है कि मेरी उम्र 23 साल है और मुझे पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पीरियड्स के टाइम बहुत ही पेन होता है, उम्र कितना बताया है? 22 साल की उम्र है, जिसे हम प्राइमरी डिसमेनोरिया कहते हैं, बहुत ही कॉमन रहता है, जैसे ही आपकी शादी होगी एक आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होगी जिसके वजह से आपके जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वह थोड़े लूज़ होते हैं, और उसके बाद आपका यह जो पेन है वह चला जाता है। सो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको असह्य पेन हो रहा है, पेन बेरेबल नहीं है, तो आप टेबलेट मेफ्टल्स पास करके जो आता है वो मेडिसिन ले सकते हो। ओके, अगला आपके बच्चेदानी में जो रसोली का वीडियो है उस पर सवाल है कि अगर किसी की शादी नहीं हुई है और उसको रसोली का प्रॉब्लम है पर उसको और कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? यदि रसोली यानी कि फाइब्रॉइड की समस्या है, शादी नहीं हुई है, अनमैरिड गर्ल्स हैं विद फाइब्रॉइड, तो फाइब्रॉइड की साइज़ कितनी है पहले तो वह जानना ज़रूरी है, और काफ़ी सारी लड़कियों को एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स भी होते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आपको एट प्रेजेंट कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला सवाल है कि मेरे भैया का टेसा पैसा हुआ था और उसमें सिर्फ 2 स्पर्म मिले थे, उसमें भी हेड में डिफेक्ट था, तो उनको आगे कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? टेसा पैसा पद्धति से स्पर्म रिट्राइव किए हैं और उसमें 2 ही स्पर्म थे, वो भी एबनॉर्मल थे, तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा डोनर सीमन की ट्रीटमेंट से। अगला सवाल है कि मुझे सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करवाना है, तो मुझे कहाँ पर करवाना चाहिए जिससे वो एग्जैक्ट मुझे पता चलेगा? सीमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट होता है वह आप कोई IVF लैब में अगर करवाएं तो सबसे आइडियल और सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा है कि पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में भी यह रिपोर्ट होता है, लेकिन मैं ऐसे आशा रखती हूँ कि आप अगर कोई IVF लैब सेटअप रहेगा वहाँ पे करवाएंगे तो बेस्ट रहेगा। और जब भी आप रिपोर्ट के लिए जाते हो तो मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 5 डेज का गैप रखें ताकि आपकी रिपोर्ट अच्छे से आए, और जो प्रिकॉशंस आपको लेना है कि
सैंपल जो है वह आप लैब में भी दे सकते हो। अगर आप घर से लेकर जा रहे हो तो विद इन हाफ एन आवर आप वहाँ पे पहुँच जाए, वह हिसाब से आपको सैंपल देना। ओके, अगला सवाल है कि मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी शादी हो गई और मेरा जो बच्चा पैदा होता है वो किसी ना किसी बीमारी के साथ पैदा होता है, अगर कोई बीमारी है उसके बारे में नहीं लिखा है उन्होंने। जैसे क्वेश्चन है कि बार बार जो भी बच्चा होता है वो बीमारी के साथ या तो कोई डिफेक्ट के साथ आता है, सो आपका जेनेटिक रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का जेनेटिक रिपोर्ट प्लस जो बच्चा है उसको क्या डिफेक्ट आ रही है वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे हमारा जो सवाल तमारा का जो है जिसमें हमने रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में भी बात की है, तो उसमें काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पीरियड के कितने दिन के बाद करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसीजर है वो जनरली अगर दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे अगर आपका पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट हो रहा है तो ऑन एन एवरेज पीरियड के 15 दिन से 15th डे से लेकर 20th डे के बीच में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस आ सकती है। और दूसरा जो प्रोटोकॉल है जिसमें हम इंजेक्शन देते हैं तो उसमें भी 21 दिन के बाद उनको मेडिसिन स्टार्ट किए जाते हैं और उसमें भी एवरेज 15 से 18 दिन के बीच में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आ सकता है। ओके, अगला सवाल है कि मैडम फीटल रिडक्शन के बारे में थोड़ा बताइए हमें। फीटल रिडक्शन जैसे IVF पद्धति है या तो IUI पद्धति है, उसमें काफ़ी सारे महिला को ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, या तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि क्वाड्रिप्लेट्स भी आते हैं, और यदि उनकी इच्छा है कि हमको ट्विंस ही रखना है या तो सिंगल प्रेगनेंसी ही कंटिन्यू करना है तो इन पेशेंट में फीटल रिडक्शन की प्रोसीजर कर सकते हैं। और फीटल रिडक्शन में बेसिकली बच्चे का जो हार्ट होता है उसके अंदर KCL करके जो इंजेक्शन आता है, जो केमिकल रहता है, वह इंजेक्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे का जो हार्ट होता है वह थोड़े ही समय में हार्ट बीट छोड़ देता है और उसके बाद बच्चे का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है और बच्चा अंदर ही जैसे पेपर ही थिन हो जाता है या तो सूख जाता है अंदर, वह बच्चे को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि काफ़ी पेशेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि मैम वो बच्चा निकालेंगे तो तंदुरुस्त वाला बच्चा तो नहीं निकल जाएगा, तो फ्रेंड्स जनरली हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी को 3 बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको एक ही बच्चा हम रिडक्शन कर सकते हैं, दो बच्चा आप कंटिन्यू करो, क्योंकि एटलीस्ट 75% हेल्दी लिविंग टिश्यू होना ज़रूरी है। जैसे अभी यह पेशेंट में ट्रिपलेट्स है, उनको अगर सिंगल प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो वह एक रिस्क हो जाता है, क्योंकि दो बच्चे को अगर हम फीटल रिडक्शन करते हैं तो जो रेशियो बन जाएगा वह हेल्दी टिश्यू जो है वो कम हो जाएगी और जो डेड टिश्यू है वो बढ़ जाएगी, तो ऐसे पेशेंट में अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो जनरली जो हम गाइड करते हैं कि ट्रिपलेट्स में गो फॉर सिंगल फीटल रिडक्शन एंड कंटिन्यू विद द ट्विंस प्रेगनेंसी। अगला सवाल है कि मेरे बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और एक बच्चा, लड़का या लड़की हो तो अच्छा है, तो मुझे क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है, मेन जो बच्चेदानी का फंक्शन होता है, रोल होता है, बच्चादानी यानी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए बच्चादानी आवश्यक है। लेकिन यदि आपका ऑपरेशन हो चुका है और अभी भी आप आशा रखते हो कि आपको और एक लड़का या लड़की होना चाहिए, तो आप सरोगेसी का ऑप्शन ले सकते हो, यानी कि कोख भाड़े पे लेना, यानी कि यूट्रस भाड़े पे लेना। सो जो महिला रहेगी उसके यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके और वह कंटिन्यू कर सकते हैं, सो इसे हम सरोगेसी का ऑप्शन कहते हैं या तो थर्ड पार्टी। अगला सवाल है कि मेरी मदर को सर्वाइकल कैंसर है 3rd stage का, तो वो क्या क्यूरेबल है? 3rd stage सर्वाइकल कैंसर जनरली 3rd and 4th stage में जो होता है उनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का ऑप्शन दिया जाता है, उसके बाद पैलिएटिव अगर सर्जरी एडवाइजेबल है तो वह कर सकते हैं, वह कभी भी क्यूरेबल नहीं होता है, यह चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अंत में मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो यह एपिसोड है सवाल तमारा उसी में जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ले सकते हैं उतना हम ज़रूर से कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मैडम ने अभी जैसे समझाया कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ
मिलेंगे। तो देखते रहिए सवाल तुम्हारा। थैंक यू।